अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके? आज फ्राइडे है, बच्चे घर पे हैं, जल्दी ही आ गए हैं। 10:30 बच्चों का ऑफ हो जाता है और बच्चे घर पे हों तो बर्तन देखें, सारा दिन ही खाना पीना चलता रहता है। अभी रात के बर्तन मैंने डिश वाशर से नहीं निकाले, ऐसे ही रखे हुए हैं। ये देखें, ये कल के बर्तन हैं। ये कल भी हमारे घर कोई गेस्ट आए हुए थे तो ये कल के बर्तन अभी ऐसे रखे हुए हैं। ये क्लीन हो गए हैं तो ये निकाले ही नहीं, तो अब वो निकालेंगे तो ये लगेंगे ना। तो मैंने कहा चले अभी कुछ खाना पीना कर लूँ तो उसके बाद फिर एक दफ़े ही लगा दूँगी। और चूल्हा मेरा इतना गंदा हुआ पड़ा, ये एलुमिनियम फॉइल चेंज करने वाली है, तो मैंने कहा कि अभी एक दफ़े ही खाना बना लूँगी तो फिर चेंज कर लूँगी। तो बस आज मीठी ने कहा है बड़े दिनों के बाद ना कि आप पराठा बनाएं, तो पराठे अब गर्मी की वजह से बिल्कुल छोड़ दिए, नहीं बनाते। सुबह बच्चे मिल्क शेक वगैरह पी के चले जाते हैं, आके फिर हम तंदूर की रोटी खाते हैं। तो बस अभी आटा गूंदने लगी हूँ। तो सिस्टर मेरी इस मशीन का बड़ा पूछती हैं, मैंने काफ़ी इस मशीन के बारे में बताया भी है, प्राइस भी बताई है कि अब्दुल्ला ब्रांड है ये, यहाँ इसके ऊपर नाम मेंशन होगा, दोबारा दिखा देती हूँ। ये अब्दुल्ला ब्रांड है और ये मैंने ली थी, मैंने तो काफ़ी पुरानी लेके पाकिस्तान में रखी हुई थी 6000 की, लेकिन अब ये 10000 से ज़्यादा नहीं आती, कहीं से 9500 की मिल रही है, कहीं से 9000, कहीं से 10000, लेकिन इसकी यही रेंज है। और ये पाकिस्तान से आई, ये दुबई से नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम मीठी, उठ गई मेरी जानो, उठ गई है। चले मैं पराठा बनाने लगी हूँ, आप साइड पर हो, मैं पराठा बनाती हूँ, आटा गूंद लेते हैं। और आटा मैं आल बेकर का चक्की फ्रेश आटा यूज़ करती हूँ। दुबई में रहने वालों को तो पता है आल बेकर में भी कई टाइप्स आती हैं, तो मेरा ये आल बेकर चक्की फ्रेश आटा है। आप आटे का भी काफ़ी पूछते हैं, बस वो जो आप लोग फिर प्रीवियस वीडियो नहीं देखते, जो जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया होता है तो वो फिर क्वेश्चन करते रहते हैं। आप लोग पूछते हैं कि इसमें पानी की जो मकदार है आटे के हिसाब से वो बताएँ, जो उन्होंने प्रोसेस ऊपर लिखा होता है अगर हम उसको फॉलो करें ना तो आटा सही नहीं गूंदा जाता। मैं तो अपने हिसाब से डालती हूँ और दूसरा ठंडे पानी से मैं आटा गूंदती हूँ। तो ये आटा हर बंदा आटा जिस हिसाब से गूंदता है ना, मीन के जैसे मैं हूँ तो मैं पतला आटा यूज़ करती हूँ, सख्त वाला नहीं यूज़ करती। तो मैंने ऑफकोर्स पानी ज़्यादा डालना है, तो ये पानी का आइडिया आपको हो जाता है जैसे जैसे आप ये देखें ना, ये मशीन चल रही है तो पता नहीं चल रहा कि हमारे आटे की क्या कंडीशन है। तो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा पतला आटा यूज़ करती हूँ। और इस मशीन की मज़े की बात है कि ये अगर आप कवर ऊपर से उतार भी देंगे ना ऐसे, तब भी आपको नज़र आता रहेगा कि ये क्या कंडीशन है आपके आटे की। तो टाइम मैं तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 3 मिनट में आटा गूंदा जाता है, तो मैं तो एक डबल ऐसे साइकिल लगा देती हूँ, मीन 6 मिनट, लेकिन 3 मिनट में भी हो जाता है। आटा गूंद लिया मैंने, इतना अच्छा आटा गूंदा जाता है ना, मैं हर दफ़ा आप लोगों से कहती हूँ। और ये इसका बाउल ऐसे, ये भी मैंने साथ ही क्लीन कर दिया, ये ब्लेड है। तो बस ये इसकी एक्सेसरीज हैं जो हमें क्लीन करनी पड़ती है। और मीठी जूस निकाल रही है मीठी, आप दान भाई को बुलाएं, दान भाई को बुलाएं, आपसे नहीं निकलेगा, इतना ज़ोर लगा रही हैं। आप ये पी लेना, आपने तो नहीं पीना, पराठा खाना अच्छा। मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए, मैंने कहा अब यहाँ इतना ही रश बना रहता है, अगर बर्तन पड़े रहेंगे फिर देखती हूँ चूल्हे के साथ नाश्ते के बर्तन वॉश कर लूँगी। अभी रमदान की बारी है, तो रविया कह रही है मैं थक गई हूँ, रविया ने कहा है मैं थक गई हूँ, मीठी आप थक गई हैं, चले आप अपने नाश्ते की तैयारी करें, हैंड वॉश करके आए जाएँ। सही, अच्छा चले मैं बनाती हूँ पराठा। यहाँ दाना रखा होता है ना तो कबूतर भी आ जाते हैं, रमदान के ये दोस्त हैं। और पराठा रमदान के लिए बनाया है और मीठी बाहर बैठ के खा रही है। मीठी लाइट तो आपने ऑन नहीं की। हाँ जी, क्या हुआ, साइकिल नहीं लॉक लगा, क्या मसला है, लॉक नहीं सही, पसीनों पसीनों हो क्या है, लॉक नहीं लग रहा बेस में, फिर साइकिल किधर की है आप लोगों ने। मीठी आप अपना खाना फिनिश करें, तो ऐसे तो नहीं उठा के कोई ले जाएगा ना बेटा, पहले 2 साइकिलें ले गया है। आज मैंने 10 दिन के बाद चाय बनाई है, गर्मी आ गई है तो चाय का बिल्कुल ही दिल नहीं करता, बल्कि अगले दिन अम्मी पूछ रही थी, मैंने कहा अम्मी सर में दर्द है तो अम्मी कह रही थी चाय बना ले, मैंने कहा गर्मी में नहीं दिल करता चाय पीने का, तो आज मैंने पराठा बनाया था उसके साथ फिर चाय बनाई है। सलाह रमदान का
ला ख़राब हो गया साइकिल, नीचे बेसमेंट में रखते हैं ना, तो वो सलार बेचारा गर्मी में इतने टाइम से वही लगाने की कोशिश कर रहा था। पराठा जी मेरा भी रेडी हो गया, तो सालन है हमने बनाया था, उसी से खाएंगे ये रात को कद्दू दाल, उसी से अच्छा लगेगा पराठा। हम दाल नाश्ता कर चुका है, मीठी कर रही है सलार, तो तंदूर से रोटी लाया है। आप लोग कहते हैं रोटी घर बनाए, हालांकि अभी मैंने पराठे बनाए नहीं है, मैंने सलार से कहा है मैं आपको बना के देती हूँ, तो बस बच्चे नहीं खाते घर की बनी हुई रोटी, शुरू से ही हम लोग आदि हो गए हैं तंदूर की रोटी के, सूखी रोटी। पराठे सारे घर के खा लेंगे बड़े मज़े के, लेकिन रोटी जो दूसरी है वो नहीं खाते। तो बड़ी गर्मी है जी, अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ, आप लोग मेरे साथ ही रहें, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। पहले जो जूस बनाया है वो पी लिया, तो अब सलार को कहा है कि आप ये ख़त्म कर लें, हमदान ने कहा मैं थक गया हूँ, तो मैंने सलार से कहा है अब सलार कर रहे हैं जो रह गया। आज किचन इतना गंदा है ना मेरा, सुबह से ही मुझे घबराहट हो रही है। पहले मैंने पराठे के चक्करों में, नाश्ते के चक्करों में, फिर ये ऑरेंज जूस, आप देखें सलार ने यहाँ ही रख दिया है। उसका वो फ्रेंड अब्दुल्ला आ गया कितने दिनों के बाद, तो मैंने कहा चले छोड़ दो मैं कर लेती हूँ। और आज मैंने सोचा है कि ये जो यहाँ मैंने ये स्टोर बनाया हुआ है ना, इसकी मैं शिफ्टिंग करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं ये चीज़ें ना यहाँ से कुछ कम करूँ। ये मेरी जो कैबिनेट इधर फुल हुई हुई है ना, यहाँ भी ये सारी चीज़ें आज मैं उधर शिफ्ट करती हूँ। आज किचन मेरा ना मूव हो रहा था कहीं और, तो आप लोग मेरे साथ ही रहें। पहले मैं ये चूल्हा तो साफ़ करूँ, ये देखें ना मैं ऐसे करती हूँ ना, लॉयल अब मैंने लगा दिया था ना, 15-20 मिनट हो गए, फ़ोन आ गया था, मैं वो सुनने लग गई थी, तो अब ये लॉयल से ऐसे जो मैल है ना पूरी उतर जाती है, फिर उसके बाद अभी इसको क्लीन करना ईजी हो जाता है। और ये बर्तन भी मैं फ़ोन के चक्करों में, भाई का फ़ोन आ गया वो सुनने लग गई, अभी लगाए ही नहीं डिश वाशर में। ये पूरी शेल्फ के ऊपर मैंने लॉयल अभी गिरा दी है, और यहाँ मैंने कहा ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाल के ना एक दफ़ा यहाँ शिफ्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आगे ना जहाँ हमने रखनी है ले जाते हैं। और ये जो प्रिंस आ गया है मेरा क्लीनिंग वाला, ना ना गिलास भी कर लेते हैं ये क्लीन बाहर वाले विंडो के, इस पर भी वो मिस्टर ब्राइट निकाले ना ज़रा अपना मिस्टर ब्राइट। ये सारे कप भी और दूसरे बर्तन भी मैं निकाल के एक दफ़ा यहाँ मैंने कहा शेल्फ पे शिफ्ट करती हूँ ना, फिर आज मैं ये सारी बफे टेबल में उधर रखने लगी हूँ, यहाँ किचन में से ना कुछ ये भी सेट, ये देखें ये प्लेट्स हैं, इसके साथ ये बाउल हैं, वो दूसरी प्लेटे भी निकाल दें, इनको ऐसे ही रखा हुआ है ना, फिर ये टूटती नहीं है और आवाज़ भी नहीं आती, सेम इनके साथ की ये प्लेट्स हैं, ये देखें ये पूरा सेट है एक जैसा, ये मैंने ऐसे ही ली थी, मैंने कहा अगर ये अलहदा पूरा सेट लें ना डिनर, उनके साथ इतनी फजूल चीज़ें आती हैं जो कि आपकी पूरी लाइफ भी आप रखे रखे ना तो वो काम नहीं आती, तो इसलिए फिर मैंने ना ये अलहदा ये से 10 प्लेटें ली हैं, ये भी 10 प्लेटें थी खाने वाली, ये सालन के लिए बाउल, फिर इसके साथ ये नीचे बाउल लिए हैं बड़े सेम ना, तो ये भी मैंने कहा उधर शिफ्ट करती हूँ नीचे से। साथ साथ मैं आपको क्राकरी भी दिखा लेती, अभी तो यो यहाँ एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना बर्तन, मेरा दिल भर जाता है जिनको इस्तेमाल कर करके, फिर मैं उनको पाकिस्तान भेज देती हूँ। ये कप सारे इनको भी तो रिमूव करती हूँ, ये भी निकालें अब्दुल्ला, ये गिलास भी निकालें, ये गिलास भी, ये बाउल तो पता नहीं मैंने आपको दिखाए थे या नहीं, ये गिलास भी रखे हुए हैं, ये भी निकाल दें, ये बाउल भी, वो बाउल भी निकाल दें, गिलास भी, इधर वाली वो सूप वाले बाउल भी। अब्दुल्ला आया हुआ है जी काफ़ी दिनों के बाद, तो ये बड़ा अच्छा बेटा है, ये वाले बाउल थे, ये तो आपको दिखाए थे, ये ऐसे ही रखे हुए हैं मैंने, उनको भी इधर रखती हूँ। ये गिलास मुझे इतने पसंद है ना, ये कभी मैं ख़त्म नहीं होने देती, और ये बड़ी दफ़ा मेरे सेट टूटे हैं, ये मेरे पास पाकिस्तान में भी हैं और यहाँ भी हैं, ये भी अच्छे लगे थे गिलास काफ़ी टाइम से, ये भी ले के रखे हुए हैं, एकदम सारा निकाल देना उसको सही रख लेंगे, फिर क्लीन भी कर लेती हूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेने का मुझे शौक़ है लेकिन मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ, शायद एक दफ़ा की, जिसमें एक ये स्केल भी है किचन का ना, वेइंग स्केल टच स्क्रीन वाला, वेट करने के लिए कि किचन में किसी चीज़ की पैमाइश करनी पड़ जाती है, तो ये यूज़ कर लूँगी, ये ऐसे ही रखा हुआ है, ये मुझे इतना क्यूट लगा था ना लेकिन मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया, इसको बॉक्स में ही रखा हुआ है ऐसे,
इसी तरह ये स्ट्रेनर तो मैं यूज़ करती हूँ, ये तो बॉक्स में इसलिए रख देती हूँ कि चलें फिर भी बच जाते हैं गन से। और एक ये देखें जी फ्लावर प्लेट सेट हैंडल वाली, ये भी मैंने ली थी, इसे भी यूज़ करने का मिले ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला, ये भी ऐसी रखी हुई है। हमदान ये भी उधर ले जाएँ। और ये रमज़ान की प्लेट, ये तो यूज़ की थी, ये भी उधर रखते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना ये उधर रखते हैं। ये प्लेट, उसके अलावा जी ये मैंने लिया था, ये भी आपको दिखाती हूँ, ग्लास डिश ना सिक्के तो मुझे भूल गए हैं, अब मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ तो मेरे माइंड में आ रही हैं ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, मैं दिखाऊँ आपको। ये पता नहीं इसका सीधा हिस्सा, एक मिनट। और ये इस तरह से है, इसकी ये गोल्डन कलर की मेटल की ट्रे टाइप है और इसमें ये ना बाउल हैं छोटे छोटे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी यूज़ करने का ख्याल ही नहीं आया, जो चीज़ सामने आ जाती है बस। तो अपने ही जो गेस्ट होते हैं फैमिली मेम्बर्स की तरह, तो ऐसे स्पेशल गेस्ट कोई नहीं आया और मैं सुस्ती भी कर जाती हूँ कि निकालूँ और फिर अंदर रखूँ। ये देखे ना ये ऐसे बनी हुई है, कितना ये क्यूट लगता है। ये प्लेट्स डेकोरेटिव टाइप, अभी तो ये सारा मेरा नीचे वाले ये सारे भरे हुए हैं, अभी इनको खोलने की हिम्मत नहीं है कि मैं इनको खोलूँ। इसमें ये कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं और ये देखें अभी सारे बर्तन जो शीशे के हैं वो सारे मैंने इसमें रखे हुए। ये प्लेट्स भी हैं, फोर प्लेट्स, ये भी फोर, ये सिक्स, जो लोग हम कैजुअली यूज़ कर लेते हैं ये इधर रहने देती हूँ, इसको नहीं। और आपको दिखाती हूँ बच्चों ने बाहर क्या किया हुआ है, टेबल के ऊपर ही रख के चले गए हैं। ये इसमें, हाँ ये तो पहले ही फुल हुआ पड़ा है, ये अभी निकाली फुल, एक वो निकाल लेना, वो ट्रेन निकाल लें गोल्डन वाली, कैसे निकलेगी, ऐसे आराम से निकाले। मैंने कहा इसमें रख देती हूँ कुछ बर्तन, हाँ कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बर्तन, ये भी डेकोरेटिव आइटम मैं लेके आई थी, ये देखेंगे ये भी ऐसे ही रखी हुई है, वो भी निकालो ना अभी, इसमें भी अभी रखे हुए हैं, ये निकाल देना, ये पहले निकाल लें। ये भी है, ये चिप्स वगैरह इसमें रख लेते हैं नगेट्स बना के, ये तो बड़ी मैंने तलाश करके ली थी ये छोटी सी, इसमें अब बड़ी भी देख रही हूँ कभी मिली तो, ये दिखाएं जी बस जल्दी जल्दी मैं जो दिखा सकती हूँ आपको। ये वो बखूर के लिए ना लैम्प टाइप, ठीक है इसमें रखने के लिए, ये इस तरह, ये इसका ऊपर ना ऐसे कवर आएगा, ये देखें, हाँ जी हाँ अभी करते जाएं। ये स्पून मुझे दे दें, ये भी मैंने ग्लास लिए थे इस तरह से ना, दो दो ग्लास का सेट मिला था, ये भी मैंने कहा मिल्क शेक वगैरह इसमें अच्छा लगता है, तो ये ज़रा हैवी ड्यूटी टाइप। अब्दुल्ला और रमदान मेरी हेल्प कर रहे हैं, बच्चे सेटिंग ऐसे रखे, आंटी तो ऐसे रखे, मैंने कहा फिर आप लोग भी रख लें, ये ले ये गिलास भी है ना, अभी मैं और ले आती हूँ, आप लोग वेट करें ना। साथ ही मैंने कहा है कि चले किचन की डीप क्लीनिंग हो जाएगी, एक दफ़ा लॉयल मैंने इसमें स्प्रे करके तो इनको सारी चीज़ों को ना एक दफ़ा मैं कर लेती हूँ क्लीन, फिर कोई एंट्स वगैरह कॉकरोचेज वगैरह नहीं आते। ये देखें ये मेरा नीचे फुल पड़ा, इसे भी अभी थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, बच्चे जब भी कोई चीज़ निकालते हैं ना ज़रूर उन्हें इधर उधर करनी होती है, ये सारी चीज़ें अभी रहती हैं। और बाहर अंधेरा हो गया कब से मैं लगी हूँ, देखें दरमियान में फिर कोई फ़ोन आ जाता है, कुछ और करने लग जाती हूँ। ये गिलास इधर रख दिए हैं, फिर रेगुलर के यूज़ के ये गिलास हैं, ये भी प्लेटें जो रेगुलर यूज़ करनी है, ये उसकी जगह उधर आपको दिखाती हूँ, किधर भी जगह नहीं रही बिल्कुल, ये कुछ चीज़ें अब ये ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ ये वाला जो सेट लाई थी उसके ऊपर ना रखे ना, रमदान इस साइड पे रख दे, वो भी एक मैं ना लाई थी बाउल सा, ये वाला इसको भी इंशाल्लाह इस दफ़ा बकरा ईद पे यूज़ करेंगे, पीछे रखे इस प्रकार के ऐसे, ये ऐसे रख दिया है। अब देखिए मैंने ये डिश वॉशर और चूल्हे को भी अपनी जगह से हिला दिया है, यहाँ से पीछे कोई चीज़ गिरी हुई है, हालांकि मैं सफाई सारी करती हूँ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाती है पीछे से। और यहाँ से भी अब ये इसके अंदर ना लिक्विड डालूँगी, ये जो ब्रश लाई थी इसके अंदर ये लिक्विड डालती हूँ अब ऐसे, ये बड़ा मज़े का ब्रश है, तो इसको ना ये सिंक क्लीन करती हूँ, ये सिंक क्लीन करने के लिए बड़ा मज़े का है,
चलो मैंने कहा लगे हाथ ओवन देखे, ये भी गंदा हो पड़ा था, ये मैं वीकली साफ करती हूँ, तो आज मैंने कहा चल तेरी भी जो है ना वो खैर नहीं है। और चूल्हे के ऊपर ये निकाल के रख दिए हैं, बस इसकी जो ग्रिल है ना वो बच्चों ने रखी है तो याद ही मेरी वो रख लेती हूँ। इसकी ग्रिल वाश हुई पड़ी है डिश वाशर में ना, ये तो मुझे जिस दिन भी रखूँ ना इतनी खुशी होती है ना कि मेरा काम जो है ना इतना आसान हो गया। एक वक्त था इंसान को ना अपना माजी नहीं भूलता, मुझे तो नहीं भूलता, मैं जब भी अल्लाह ताला की कोई नेमत इस्तेमाल करूँ ना तो मुझे अपना माजी ज़रूर याद आ जाता है, हालांकि उसको गुजरे भी 20 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब हाथों से ये मैं धोती थी और हाथ जख्मी हो जाने बुरे हाल। अब बारी आ गई है जी दवा खाने की, ये अरशी की फकियाँ और मजूने कलवंजी कॉफ़ी अरक ये सारे पाकिस्तान से आए हुए ना ये अरशी लेते हैं, है कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं है, होता है ना बीपी शुगर कोई मैदे का कोई मसला, तो मैदे का मसला बहुत पहले था, अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हिकमत की चीज़ें हैं ना ये देखे, हम पता नहीं इसे कौन गतीरा क्या कहते हैं, हर चीज़ उन्होंने खानी होती है खाने के बाद, अल्लाह का शुक्र है ये साफ़ है, इसको भी एक नज़र मार लूँ, ये ठीक है, ये मेरे ठीक है क्लीन है। ओवन देखें जी, ओवन क्लीन हो गया, तो अब देखें जी किचन कंप्लीट क्लीन हो गया है, बाहर से वैक्यूम अभी सलार लगा रहा है, बस अंदर से वैक्यूम लगाना है और मॉपिंग करनी है। अभी मैं आपको व्यू भी दे देती हूँ मैंने जो चेंजिंग की है, इतनी चीज़ें निकाली हैं उसके बाद फिर ये इधर चीज़ें रख दी हैं ऐसे, ये आगे मैं सोच रही हूँ बच्चों ने बाहर इतना शोर मचाया हुआ है, ये इधर रख देती हूँ और इधर ये देखिए रैक, फिर भी इसमें से चीज़ें उठाई भी हैं फिर ये रैक वैसे का वैसे। और साथ ही मैंने कहा जा लगे हाथों ये गमले भी क्लीन कर लेती हूँ, इनको वैसे तो 1 मंथ में एक दफ़ा करती हूँ, कभी 2-3 डेज बाद, मूड की बात है, ये इनके अंदर पत्थर डाले होते हैं ये इनको वॉश करके रखा है, तो ये भी हम साथ ही कर रही हूँ। मैंने पहले वैक्यूम लगाया अब मॉपिंग कर रही हूँ, ये स्टीम मॉप बड़ा ही अच्छा है, मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ फिर भी मेरी सिस्टर पूछती हैं, ये मैंने ईमैक्स से लिया था, प्राइस आपको मेरी जो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो है ना उसमें बताई थी, अब याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो ये बड़ा ही अच्छा है किचन के लिए स्पेशली ना। और ये हूवर ब्रांड का है, हूवर मेरा जो वाटर डिस्पेंसर है ना ये भी हूवर ब्रांड का है और ये भी हूवर का ही है, ये फर्स्ट टाइम मैंने इस ब्रांड का ना ये लिया था और अच्छा रहा है ठीक है अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जी ये मेरे ड्रेसिंग पे इतने स्क्रैचेस पड़ रहे थे ना, तो मैंने कहा ये एक पहले मैंने टेबल पे डाला हुआ था, मैंने कहा टेबल की थोड़ा लुक चेंज करते हैं, उससे उठा लिया उस पर खाली मैट टेबल मैट रख दिया, तो ये यहाँ अच्छा लग रहा है गोल्डन इसके साथ मैच हो रहा है ड्रेसिंग टेबल पे, तो ये मैंने यहाँ डाल दिया इसका मैट। और ये भी मैं अभी लाइट की क्लीनिंग करने लगी हूँ, ये इतनी मेरी गंदी हुई पड़ी है, इसको भी मैंने इसका नीचे वाला ये पोर्शन वॉश किया है, तो ये टेबल को मैंने ऐसे ऊपर से उतार दिया है, बस इस पर मैट ये डाल दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अब आके मेरा किचन फुल क्लीन हो गया है, ये बच्चों ने डीप फ्रायर और एयर फ्रायर लगा लिया है वो स्ट्रिप्स और फ्राइज़ बनाने के लिए, उसके अलावा हर चीज़ चमकती दमकती
मैंने बल्कि बच्चों से कहा है कि अभी मैं अभी निकली ही नहीं हूँ किचन से, तो फिर आप लोगों ने शुरू कर दिया है। ये देखिए मैं आपको बाहर का भी व्यू देती हूँ, वो दूसरे बर्तन भी जहाँ मेरे सेट हो गए हैं। ये अब फोर्टनाइट खेलने लग गए हैं दोनों, मीठी थकी हुई बैठी हुई है स्टिप्स के लिए। और इधर से आपको दिखाती हूँ सेटिंग, लाइट ऑन कर दूँ एक मिनट। ये इसमें ये देखें जी, इसमें मैंने ये वफ़े टेबल में सेटिंग कर दी है इस तरह से। ये मैंने सारे इधर रख दिए हैं ऐसे, कुछ बॉक्स के अंदर ही और कुछ वैसे यहाँ रखे हैं, और कुछ मैंने यहाँ रख दिए हैं। ये सारी प्लेट्स और उसकी साइड पे मैंने बड़ी डिशेस और वो उनको ऐसे खड़ा कर दिया। तो इस तरह से ये काफ़ी प्लेट्स और बाउल यहाँ आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उधर से थोड़ी छांटी मैंने की है तो अच्छी क्लीनिंग हो गई, लेकिन वहाँ ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कोई चीज़ अभी वहाँ से निकाली ही नहीं है, वो वैसी की वैसी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बस सारा दिन ऐसे ही गुजरा है, बच्चे भी तंग, हर्षी भी तंग, कहते क्या तुमने किचन भी और बाहर भी अफरा तफरी बनाई हुई है। तो बल्कि हुदैबिया की नानों का फ़ोन आया तो वो कह रही थी कि क्या कर रही हो, मैंने कहा बाद में बात करूँगी, आज मैं बड़ा कुछ कर रही हूँ। तो मेरी सिस्टर कहती हैं कि आप नानों का जिक्र करती हैं तो आपके ससुराल है, तो मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर नहीं है, दोनों नहीं है, नंदे और देवर जेठ हैं। तो फिर आपको पता ही है वो अपने अपने घरों में हैं, तो ज़्यादा फिर या दादा दादी प्यार करते हैं बच्चों से या फिर नाना नानी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।